आज दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग बागेश्वर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी रेणु नगर कोटी द्वारा बताया गया कि तीनों विकास खंडों में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया जा रहा है। साथ ही बालिकाओं को महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु विभाग द्वारा चलाई गई नंदा गौरी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं वन स्टॉप सेंटर आदि जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर महिला कल्याण अधिकारी, महिला शक्ति केंद्र चंद्रकला राज, सभी शिक्षक सहित 100 से अधिक बालिकाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। आज सरस्वती शिशु मंदिर बागेश्वर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, जिसमें बच्चियों को उनके अधिकारों और महामारी के समय होने वाले रोगों और उसके बचाव और स्वच्छता के बारे में जानकारी दी गई। बच्चियों को सैनिटरी पैड और अल्पाहार का भी वितरण किया गया। बच्चियों ने इसमें खुल के भाग लिया और पार्टिसिपेट किया, क्वेश्चन पूछे, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन हमारे द्वारा संबंधित 84 में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है सन 2012 से जो है विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है, उसको मनाने का विशेष कारण है बालिकाओं के अधिकार को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके, उनकी स्वच्छता को लेके उन्हें जागरूक करना। और इस बार हमने महामारी विषय को चुना है और उसी को लेकर हमने यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का बालिकाओं के पीछे प्रयास किया और बालिकाओं को जो है सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर और हमारे वन स्टॉप सेंटर से अधिवक्ता मैडम भी आई थी, जिनके द्वारा स्वास्थ्य को लेके और कानून को लेके भी बालिकाओं को जानकारी दी। आज हमारे विद्यालय में बाल विकास की ओर से एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चों को जो बालिकाएँ हैं उनको उनके जो कुछ गोपनीय चीज़ें होती उसके बारे में बताया गया, जिससे बच्चे सजग होकर उनकी प्रतिभाग किया। और ये वो अच्छा कदम है, क्योंकि 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को समस्या रहती है और ताकि उन बच्चों को समझ आ जाए, वो अपनी शारीरिक स्वच्छता रखें और समाज को भी थोड़ा सा उसके लिए प्रणाम दे। और मैं इस कार्यक्रम के लिए जितने भी लोगों साथ सुमित्रा जोशी जी का और बाल विकास अधिकारी जी का और समस्त स्टाफ का अपने विद्यालय स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ उनका। न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।